दोस्तों अभी आ गए दुकान में, तो देखिए हम लोग गाड़ी वाला लोग के लिए डीसी मतलब बैटरी वाला यही सब कूलर है। दोस्तों आ गया मेरा पोहा, ये देखिए दही और साल सब चीज डाल के हैं। दोस्तों अभी हमने थोड़ा गाड़ी रोके हुए, पापा चले गए दाढ़ी बनवाने के लिए, दाढ़ी मोच और बाल कलर करवाने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में तो महंगा है डीजल, तो यहीं पे फुल कर ले रहे हैं। 93.73 पैसा। दोस्तों आज सिर्फ टाइम लग रहा है, अभी हम लोग छत्तीसगढ़ वाले बॉर्डर पे आए और यहाँ पर भी देखिए जाम लगा हुआ है पूरा लंबा। दोस्तों अभी तो हम लोग फिर निकल रहे हैं और पापा का वही आदत है कुछ भी देख लो लेकिन लो मत। उसका सेटिंग हमको सब पसंद नहीं है, अभी लेके तुरंत लगा लो तो अलग बात है, अभी उल्टी दुकान जाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपसे फिर स्वागत है। दोस्तों अभी लोग आ चुके हैं महाराष्ट्र बॉर्डर के पास में, यहाँ से मात्र बॉर्डर जो है वो 25-30 किलोमीटर है यहाँ से। तो हम लोग रुके हुए एक जगह पे, यहाँ पर क्या देख सकते हैं, पूरा खुला जगह है पर गाड़ी वाला के लिए सारा सामान मिलता है, राशन पानी डब्बा जो भी लेना है, टायर दुकान ग्रीस कराना सब चीज़ यहाँ पर मिलता है। तो यहीं पर हम बताए थे कि आप लोगों को गाड़ी में लगाना हमको कूलर पानी वाला जो लगाते हैं सब गाड़ी में, तो वो लगाना बैटरी वाला यहाँ मिलता है। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं दुकान में, यहाँ पर कूलर भी आ गया है। दोस्तों अभी आ गए दुकान में, तो देखिए हम लोग गाड़ी वाला लोग के लिए डीसी मतलब बैटरी वाला यही सब कूलर है। अभी सीजन तो आ गया है तो कूलर तो अब मार्केट में हर जगह बिकना चालू हो गया है। यही दुकानदार अब इधर आओ। अरे क्या ये ठीक चलता है गाड़ी में? ठीक चलेगा भैया, कोई दिक्कत नहीं ना? तो गाड़ी खड़ा करके 2-3 दिन चला सकते हो, पानी वाला मोटर और हवा वाला नाइट डे दोनों चला सकते हो। अच्छा, गाड़ी खड़ा करके। आज जैसे कि आपको एक साल गारंटी मिलेगा? एक साल गारंटी है। हाँ जी, हाँ तो एक साल में तो 3 महीना तो चलाना ही है इसको। हवा वाला मोटर का आपको एक साल पूरा फुल गारंटी मिलेगा। अच्छा, एक तो अलग दिख रहा हूँ, ये प्लास्टिक वाला है। प्लास्टिक वाला है? हाँ, सब बैटरी सिस्टम है। सब बैटरी सिस्टम है भैया, 24 वोल्ट है। 24 वोल्ट भी लगेगा तो 12 वोल्ट भी मिल जाएगा। अच्छा, 12-24 दोनों है ना। हाँ, तो जो चाहिए आपको मिल जाएगा, अपने हाथ से बनाते हैं सब। चलिए बहुत बढ़िया, पंखा वगैरह भी सब रखे हैं, सब मिल जाएगा। सब गाड़ी वाला के लिए व्यवस्था है यहाँ पर। हाँ, जितना जो सामान चाहिए, कोई भी सामान चाहिए यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, डीजल टंकी का ढक्कन हो गया, यूरिया टंकी का ढक्कन हो गया। अच्छा, ढक्कन वगैरह भी मिल जाता है? सब। हाँ भाई, ढक्कन कई जगह तोड़ देता है तो जरूरत पड़ता है ढक्कन का भी ना। तो अभी देखो हम दाम कितना बताया इसका? इसका दाम आपको लगेगा ना, तो अभी मैं फिटिंग उटिंग करके 3,000 के अंदर में ही दे दूंगा। अंदर में फिटिंग करके? हाँ, सब करके, ओके करके। चलो, अंदर में 3,000 के अंदर में ही पड़ेगा आपको। अच्छा, वो क्या ना कि अभी हम होली आने वाला है तो अभी हम घर जा रहे हैं, तो वापसी आ रहे हैं तो फिर लगाएंगे और गर्मी भी तब तक बढ़ जाएगा, अभी तो उतना गर्मी नहीं हुआ है। चलो ठीक, आते हैं वापसी लगाते हैं। तो यही है दोस्तों कूलर जो हम बोल रहे थे लगाने के लिए गाड़ी में, तो इस बार लगाएंगे गाड़ी में यही कूलर। बहुत अच्छा लगता है ये सन, अभी जो है नया सन। ये देखिए इतना पानी छलकता नहीं ना है? नहीं, पानी नहीं छलकेगा। पानी बहुत ऊंचा भी है सर, इसमें कहाँ छलकेगा पानी इसमें। दोस्तों अभी तो हम लोग नहीं लिए कूलर है, बाद में ही लेंगे, पापा तो बोल रहे होली के बाद लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे भी अभी होली में एक दिन तो घर में रुकेंगे ही। और ठीक है, अब हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ पे एक नाश्ता दुकान, जो हम लोग जब भी महाराष्ट्र इन करते हैं तो एक पोहा वाला जो नाश्ता दुकान रहता है वहीं पे जाएंगे नाश्ता करेंगे। अब पापा अभी फिर थोड़ा यंग दिखने के लिए दाढ़ी मोच बोल रहे कलर करेंगे। आज संडे है, संडे को दिन में हमको ऐसे बीच में कई जगह होता है, कभी मंगलवार रहता है कभी शनिवार रहता है, वो सब दिन बनाते हैं। तो आज संडे है तो ऐसा समय भी मिल गया हमको, तो रास्ता में है यहाँ पे एक होटल है सदाजी का, वहाँ पे सैलून भी है, तो वहीं पे दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं, थोड़ा बाल वाल भी डाई कराते हैं, जब घर जाते हैं तो ये सब करा लेते हैं थोड़ा। दोस्तों अभी आ गया वो नाश्ता दुकान, तो नाश्ता यहाँ कर लेते हैं क्योंकि फिर अगर हम सैलून में चले जाएंगे तो फिर उसके खाने में दिक्कत हो जाएगा, फिर कहे कि डाई वगैरह कराना है, तो नाश्ता तो करके फिर चलते हैं यहाँ से। दोस्तों आ गया मेरा पोहा, ये देखिए दही और साल सब चीज़ डाल के है, मसाला वगैरह मिक्सचर वगैरह जितना है, तो यहाँ पर एक वेरायटी में सब चीज़ मिल के मैंने डाल देता है इसमें, तो अच्छा लगता है। बूंदिया वगैरह सब अलग से रखा है, जो आपको अलग से खाना है वो खा सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोग नाश्ता करके तो निकल चुके हैं, तो रायपुर अभी ज्यादा नहीं, करीब 200 किलोमीटर के आसपास होगा, तो महाराष्ट्र का बॉर्डर बस आने वाला है। बस अभी हम लोग डीजल अपना ले लेंगे, उसके बाद फिर आराम से चलते रहेंगे। देवड़ी बॉर्डर एकदम नजदीक में ही है और अभी आज का हमारा ब्लॉग भी अपलोड नहीं हुआ है अभी, तो देख रहे हो वहाँ पे बॉर्डर के पास ही अच्छा नेटवर्क आता है 5G पूरा फुल टावर, तो वहीं पे अपलोड कर देंगे वीडियो भी। दोस्तों आ गए पेट्रोल पंप में और यहाँ के बाद पेट्रोल पंप है भी नहीं, एक ही बार छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ में तो महंगा है डीजल, तो यहीं पे फुल कर ले रहे हैं। 93.73 पैसा है, तो फुल कर लेते हैं। अब देखते हैं फिर कहाँ जरूरत पड़ेगा, ऐसे तो हमको नहीं लगता है कि जरूरत पड़ेगा, कहीं झारखंड वगैरह सब पार हो जाएगा छत्तीसगढ़, एक ही बार बंगाल में जरूरत पड़ सकता है। तो चलते हैं, हो सकता है सिलीगुड़ी खाली भी हो जाए। अब यहाँ से हम अपना एवरेज भी निकालेंगे कि हमारा एवरेज क्या दिया। 217 लीटर में फुल हुआ, 98.00।
इतना में फूल हुआ मेरा, कहाँ का फूल गया था, कर्नाटक में। हम बोल रहा 1000 से भी किलोमीटर से ज़्यादा ही गाड़ी चल चुका है, इतना में हमारा फूल हो गया। अब जाकर पूरा निकालता डिटेल कितना किलोमीटर चला और क्या एवरेज दिया, ये भी निकाल। फुल टंकी में ही एवरेज निकलता है, ऐसा बीच में नहीं निकल पाता है, वो कहीं 10,000 के लिए 20,000 वैसे नहीं निकलता है। टंकी जहाँ से फुल हुआ फिर फुल होगा तो ही एवरेज निकलेगा। दोस्तों अभी तो एवरेज निकाल लिया साहब, तो करीब 5.5 का एवरेज दिया है, तो ठीक है 5.5 का एवरेज भी। ऐसे तो एक आध बार मोबिल और चेंज होगा, और मिस्त्री तो हमको बोला था कि एक बार गाढ़ा मोबिल हो गया है, तो जैसे जो फंसा हुआ था बहुत ज़्यादा गाढ़ा मोबिल था, तो सब मोबिल तो निकला नहीं था। वो बोला था कि मोबिल मतलब चेंज होने से पहले एक बार चेंज कर लीजिएगा, वो भी करेंगे तो हो सकता है और फर्क पड़ जाए, 6 का तब देना चालू कर देगा। अच्छा जितना भी गाड़ी वाले से पूछे आयसर वाले से, तो नया गाड़ी का तो बात अलग है, लेकिन हम लोग का पुराना गाड़ी जैसे है BS4 है ये, तो उस हिसाब से बोला साहब 5.5-6 यही देता ही है, तो उस हिसाब से ठीक है एक बार और मोबिल चेंज करेंगे, तो उस मेरा भी 6 हो जाए। दोस्तों अभी हमने थोड़ा गाड़ी रोके हुए, पापा चले गए हैं दाढ़ी बनवाने के लिए, दाढ़ी मोच और बाल कलर करवाने के लिए। तो अभी दोस्तों वो आएंगे तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फिर नहा भी लेंगे, तो अभी ऐसे ही चलना पड़ेगा। तब तक जितना दूर है जो कलर करवाएंगे वो सूख भी जाएगा, उसके बाद नहा आगे फिर हम लोग निकल भी जाएंगे। दोस्तों अभी ये वाला जो हमारा सीट है ये तो लगभग पूरा अभी खराब हो गया है, इधर तो गद्दा बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तो हम लोग ये वाला यूज कर रहे हैं, इसको बिछा लेते हैं। तो ये देखिए पूरा खत्म हो गया इसमें, और ये सब भी जितना सीट है सबका भी गद्दा खत्म हो गया है, और इसका तो बहुत ज्यादा, तो ये सब भी लगवा लेंगे। रायपुर में दोस्तों सेठ जी को बोल दिए, तो वो उनके मतलब जहाँ पे ट्रांसपोर्ट है उसका बगल में ही ये सब काम होता है, तो वहीं पे ये भी करवा लेंगे, बस थोड़ा जल्दी पहुंच जाए, तब शाम तक भी अगर पहुंचते तो भी ये काम करवा के हम निकलेंगे। दोस्तों अभी पापा तो आ चुके हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगे, 2 घंटा लगा इतना करवाने में, बताइए। सिर्फ मेरा ही नहीं हुआ है, किसी और का भी नंबर में बैठे हुए थे, नंबर में लगे हुए थे, जो जो हम करवाए वो भी वही करवा रहा था, बाल डाई वगैरह कटिंग सेटिंग जो किया सैलून वाला बहुत ही अच्छी तरह से किया, मतलब इतना मतलब लग रहा है जैसे कि एकदम आराम से वो कर रहा था, जैसे अपना समझ के, बहुत ही अच्छा लगा हमको। टाइम वाला कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोई होता है बहुत अकबकीम कर देता है, कोई गाहक बैठा हुआ था अकबकीम कर दिया, वैसा कुछ बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों ये तो काम हो गया, आप चलिए सही है, आप जाके जल्दी से नहा लेंगे, पापा ही नहाएंगे, हम तो घर नहाए थे, आप नहीं नहाएंगे, तो जल्दी जल्दी करके फिर निकलेंगे हम लोग। जितना जल्दी सोच रहे रायपुर पहुंचे उतना ज्यादा टाइम लग जा रहा है, और थोड़ा घर भी जाना है इसीलिए। दोस्तों अभी जा तो रहा है बॉर्डर वगैरह पार करके, ढाबा है एक वहाँ पे, वहीं पर रुकेंगे, वहीं पर नहाना धोना होगा, खाना पीना करके वहाँ से फिर हम निकल जाएंगे। दोस्तों आज सिर्फ टाइम पे टाइम लग रहा है, अभी हम लोग छत्तीसगढ़ वाले बॉर्डर पे आए, और यहाँ पर भी देखिए जाम लगा हुआ है पूरा लंबा, और गाड़ी तो अभी हम लोग लगा दी है पीछे, अब देखिए कितना टाइम लगता है यहाँ भी। दोस्तों बॉर्डर तो पार कर गए, वो क्या रहे नया नया महीना में होता है, इसी लेकर जाए टाइम पे हम निकल गए थे जल्दी, रात में थोड़ा मेहनत कर दिए थे, क्योंकि मैकेनिकल कटता है महीने का, ये सरकारी कागज है, वो काटना पड़े, जाम लग जाता थोड़ा, अब तो निकल गए हम लोग, फ्री हो गए, अब ढाबा भी ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। दोस्तों होटल पर आ गए हैं, कपड़ा वड़ा ले लिए हैं, जा रहे नहाने के लिए, नहा हुआ आते हैं। दोस्तों अभी करीब दोपहर के 3 बजने वाले हैं, और पापा भी नहा के आ गए, अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। अभी क्या है हमेशा थोड़ा लेट हो जाता है टाइम से, अभी खा लेंगे फिर रात में भूख ही नहीं लगेगा, फिर रात में हमारा खाना इधर, रात में हमारा खाना फिर नहीं होगा। दोस्तों अभी हमारा खाना तो आ चुका है, ये ऑर्डर किए गाजर मटर, तो आज यही खाएंगे। दोस्तों अभी हमारा खाना तो हो गया, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, गाड़ी को भी बैक करवाते हैं। दोस्तों शाम के 7 बज चुका है, और हम लोग भिलाई आ चुके हैं अभी, और ये सिंगल बत्ती देख रहे हैं पार कर रहे हैं हम लोग। आज क्या है ना कि संडे है, तो आज थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज्यादा ही रहता है, जानते हैं संडे को सब इधर उधर घूमने निकलता है, कहीं ना कहीं किसी किसी रेस्टोरेंट में जाता है सब, उसके लिए थोड़ा ट्रैफिक रहता है, तो बहुत सा गाड़ी वाला तो रुक जाता है कि भाई रात को पार करेंगे, रात को 10 बजे 11 बजे। तो हमको तो इस बार हमने प्लानिंग हुआ है संबलपुर होके जाने के लिए, हम निकल जाते हैं फिर सीधा बाहर सीधा संबलपुर होते हुए निकल जाएंगे राहुल किला, क्योंकि इस रोड पे जो है कि थोड़ा सा मतलब टाइम ज्यादा लग जा रहा है, किलोमीटर मिलाए तो कुछ ज्यादा ही हो रहा था। दोस्तों हमारा तो सिलीगुड़ी का माल है, तो अभी हम सिलीगुड़ी जा रहे हैं, तो कई ट्रांसपोर्ट लोग से भी कॉन्टेक्ट हो रहा है मेरा कि वहाँ से रिटर्निंग माल के लिए, तो बताया जा रहा है कि वो लोग पूछ रहे हमसे कब तक आ जाइएगा, ठीक है खाली कीजिए माल, तो कई ट्रांसपोर्ट तो माल ये पुराना है, पहले भी कई बार लोड करके आए हैं, और कई ट्रांसपोर्ट नया भी है, उन लोग से भी बातचीत हो रहा है, तो हम लोग को एक दूसरे ड्राइवर के जरिए ही मिलता है नंबर, खाली भाड़ा क्लियर करने के लिए हम सेठ को खड़ा करते हैं कि ऐसा सा भाड़ा सही है कि क्या है, क्योंकि भाई वो पुराना ट्रांसपोर्टर है तो उनको तो पता है सब भाड़ा उड़ा का।
तो वैसे ही मतलब सेठ जी क्लियर करते हैं कि हाँ राजेश भाड़ा ठीक है भर लो, या उसको हम बोले थे पहले इतना भाड़ा बोला था तो फिर उसको बोले तो 5,000 भाड़ा बढ़ा दिया, ऐसे करके फिर क्लियर होता है तब मतलब। अभी भी वही सिस्टम चल रहा है, अब गाड़ी भले हम ले लिए सब कुछ है लेकिन व्यवहार अभी भी आज भी वही है कि भाड़ा का क्लियर वही करते हैं कि हाँ इतना भाड़ा, वो भी बोलते भी है कि भाड़ा पहले हमसे पूछ लिया किया करना कि तुम तो कंटेनर में अभी नया नया हो, क्योंकि शुरू से हम डालागढ़ चला है, कंटेनर का भाड़ा हमको क्लियर नहीं मालूम होता है, तो वही सब बताते हैं। दोस्तों अभी करीब रात के 8 बज चुके हैं और हम लोग रायपुर सिटी तो पहुंच ही गए थे, लेकिन अभी पापा क्या है कि थोड़ा हिसाब कर रहे थे कि जो हम लोग आए उसमें टोल टैक्स कितना लगा, तो हिसाब तो दोस्तों अभी कर ही रहे थे, अब टोल टैक्स बताएंगे कितना लगा। दोस्तों मेरा आदत है कोई भी गाड़ी चलाए, इतना दिन ड्राइवरी करते रहे हम, तो कोई भी गाड़ी चलाए मेरा आदत है कि टायर का, मोबिल का, हर चीज का हम अपना में मेंटेनेंस को कॉपी रखते हैं, उस सेट को हम सेट भी रखते हैं, वो अलग चीज है। आप लोग देखे होंगे इधर जाते समय में देवरी से घूम गए थे, उधर गढ़चिरौली होते हुए गए थे हैदराबाद और वापस आए थे नागपुर होके, तो हमको टोल टैक्स का फासला देखना था कि यहाँ रायपुर से जब गए थे हम तो कितना लगा इधर जाने में, उधर रिटर्न आया कितना, तो 2500 का फर्क पड़ रहा है टोल टैक्स में, ज्यादा का नहीं है, 2500 का ही फर्क है, और किलोमीटर जो है वो भी कोई ज्यादा का फर्क नहीं है, वो करीब 100 किलोमीटर के आसपास का फर्क है और कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हर हिसाब हिसाब तो रखना कर सही बात है, रखना भी चाहिए। ये देखिए मेरा पूरा हिसाब का थैली है और इसमें बहुत चीज रखते हैं, इसमें ऐसा बात नहीं कि कोई भी कोरियर करना है तो उसके लिए खाम भी रखे हैं पूरा, कि कहाँ हर बार ढूंढते चलेंगे, एक खाम दो खाम के लिए पूरा सेफ्टी ले लिए थे हम, 50 पन्ना का पूरा ले लिए थे, रख लेते हैं हिसाब उसाब भी। दोस्तों फोर लाइन में चलने का मजा तो है लेकिन टोल टैक्स भी लग जाता है, टोल टैक्स हम इधर से गए थे तो हमको 5,500 का पड़ा था हैदराबाद बेंगलोर जो गए थे, और उधर से रिटर्न जब हम नागपुर होकर आए तो हमको करीब 8,000 रुपये पड़ गया, 8,064 रुपये से पड़ा है, तो फोर लाइन का मजा तो है लेकिन पैसा भी लग जाता है, तो चलिए कोई बात नहीं होता, तो मतलब कि थोड़ा बहुत डीजल में फर्क पड़ जाता है, नहीं करता है। और पहले हम लोग चलते थे उस समय में 6 चक्का लेकर के, तो हर टोल टैक्स 30 रुपया 35 रुपया, यही टिकट मतलब टोल टैक्स था 30 रुपया 35 रुपया, उससे ज़्यादा नहीं था, लेकिन अभी तो 400 300 200 ऐसे करके है। दोस्तों अभी हम लोग आरंग पार करके नदी मोड़ में रुके हुए हैं, तो यहाँ पे एक दुकान दिखा जहाँ पे कुछ गाड़ी का सजावट का सामान मिल रहा है, तो ये सारा व्हील कवर है, तो सोच रहे एक लेने का, आगे का चक्का में लगता है ये, आगे का भी पीछे का भी है, तो देख रहे कौन सा लगाया जाए, उधर भी स्टील वाला है, कूलर तो यहाँ भी है। अभी दोस्तों थोड़ा चेक करने के लिए जा रहे हैं कि कौन सा सही लगेगा, ये देखिए आगे में ये ऐसे लग रहा है, छोटा वाला है थोड़ा, देखते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा इसमें सिस्टम है लफड़ा की, ये पत्ती जो है ये नट खोल के लगेगा, और इसका क्या है ना कि इस पे वेल्डिंग कराना पड़ेगा, नट इसके ऊपर में यहाँ नट वेल्डिंग कराना पड़ेगा, तब ये बैठेगा इसमें, तब ये इसमें लगेगा हॉल करके, अब देखते हैं कौन सा लिया जाए, हिसाब से लगाइए जी, ये जो है टूट जाएगा ना, नहीं नहीं क्यों तो समझ रहे पीछे लगेगा, इसमें भी वही सिस्टम है, छेदा वाला वेल्डिंग करना पड़ेगा, छेदा करना पड़ेगा इसमें, ये बोल्ट वेल्डिंग करना पड़ेगा। दोस्तों अभी ये पीछे वाला टायर के लिए है, तो ये वाला तो और भी अच्छा लग रहा है, ये देखिए हमको तो दोस्तों अच्छा लग रहा है, पता नहीं भाई पापा को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं बताइए, ठीक है थोड़ा छेदा करना पड़ेगा, बोल्ट लगाना पड़ेगा लंबा बोल्ट। दोस्तों अभी तो हम लोग फिर निकल रहे हैं और पापा का वही आदत है कुछ भी देख लो लेकिन लो मत, वही नहीं किए फिर दोबारा सिर्फ दाम पूछे और लिए नहीं, उसका सेटिंग हमको सब पसंद नहीं आया, अभी लेके तुरंत लगा लो तो अलग बात है, अभी वेल्डिंग दुकान जाना पड़ेगा, उसका बनाना पड़ेगा, तो ये सब तामझाम लगा हमको, इसीलिए हम नहीं लिए, अभी कोई बात नहीं, रिसोर्ट में चलना ही है। तो दोस्तों अभी गाड़ी लेके अब हम निकल रहे हैं, थोड़ा रात में चलाएंगे, उसके बाद फिर कहीं पे अच्छा सा होटल लेके रुक जाएंगे, फिर सुबह सुबह गाड़ी लेके निकलेंगे, तो ठीक है अभी हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग बॉर्डर से थोड़ा पीछे ही खड़े हैं, यहाँ संबलपुर कम से कम 110-120 किलोमीटर बच गया है, तो सागरी वहाँ से गाड़ी लेकर चला था यहाँ तक आया गाड़ी लेकर के, तो हमको लग रहा है कि जो 110-120 किलोमीटर ये भी चलाया गाड़ी वहाँ से यहाँ तक, तो अभी लेके लगा दिया, रात के 12 भी बज गया है। दोस्तों खाना तो खाना है नहीं क्योंकि रात के ज्यादा भी रात हो गया, ऐसे भी बहुत सुने हैं ज्यादा रात में खाना नहीं चाहिए क्योंकि रात ज्यादा रात में खाने से फिर खराब भी करता है, और ऐसे भी हम लोग जल्दी हम लोग खाए थे, हम शाम में करीब खाए थे, वहाँ पर नहा धोवा करके हम लोग 3:30-3 बजे खाना खाए थे, उसके लिए खाना खा नहीं रहे,
हम लोग यहीं पर सो रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आएगा सफर आपको उड़ीसा का सफर देखने को मिलेगा। उड़ीसा होते हुए हम लोग फिर झारखंड घुसेंगे वो स्कूटी रोड से। तो इस ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।